हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहले बात कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के एग्जांपल्स आपके पास आए थे, आपको चूज करना था टॉप लेवल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से क्वेश्चन आया था, स्केलर चेन यूनिटी ऑफ कमांड से आपके पास क्वेश्चन आया था, स्टैंडर्डाइजेशन सबऑर्डिनेशन ऑफ डुअल इंटरेस्ट वहां से क्वेश्चन आपके पास आया था, बिजनेस एनवायरमेंट से आपके पास दो क्वेश्चन आए थे, इजी कंसेप्ट था, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था। देन प्रोसेस चार आए थे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, मेरे पास चार प्रोसेस आए थे एंड वो लाइन वाइज आपको ऑर्डर में लगाने थे। देन मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आई थी, अगेन जिसको आपको ऑर्डर में लगाना था, घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था। प्लानिंग की लिमिटेशन से क्वेश्चन आया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर पूछा गया था, वो भी इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था उसके अंदर। रिक्रूटमेंट एंड इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दोनों से आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था। डायरेक्टिंग के अंदर से मोटिवेशन एंड सुपरविजन से क्वेश्चन आया था। लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन एंड लेसफेयर, तीनों को मैच करना था उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। देन फाइनेंसिंग डिसीजन से आपके पास क्वेश्चन आया था, इन्वेस्टिंग डिसीजन से आपके पास क्वेश्चन आया था, डिविडेंड का नहीं आया था। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि किसमें ज्यादा टाइम लगता है, किसमें कम टाइम लगता है, वहां से क्वेश्चन आया था। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देन सेबी के डेवलपमेंट फंक्शन आए थे, रेगुलेटरी नहीं आया था। मार्केटिंग के फोर पीज आपके पास आए थे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये भी घुमा फिरा के नहीं पूछे गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्वेश्चन आया था। देन जो एंटरप्रेन्योर वाली यूनिट है, जो एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ी गई है इस साल, वहां से आपके पास एक केस स्टडी आया था जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने थे, फ्री के मार्क्स थे, कोई बहुत ज्यादा घुमा के नहीं आया था, डायरेक्ट पैराग्राफ के अंदर से ही आपको आंसर्स मिल रहे थे। सो गाइस, दिस वाज माय एग्जाम एनालिसिस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।